What's up everybody, this is Silent Slayer, welcome back to another PE Battle League video. So, आज के वीडियो में गाइस हमारे पास एक और अमेजिंग टीम कॉम्बिनेशन है एक ओपन ग्रेट लीग के लिए. सो आज के बैटल में हमारे पास है अम्ब्रियन, अजुमरिल, डिऑक्सिस डिफेंस. अम्ब्रियन के पास है मूवसेट स्नाल साइकिक फाउल प्ले, अजुमरिल के पास बबल आइस बीम एट प्ले रफ और डिऑक्सिस डिफेंस के पास है काउंटर थंडरबोल्ट. एक ही चार्ज में गायब इनफ है ओपन ग्रेट लीग के, गायब दो चार्ज में तो बेहतर है बट एक से लाइक आप बैटल कर सकते हो. सो गाइज अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी. गाइज अगर आपके पास कोई टीम सजेशन है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी टीम यूज़ कर सकता हूँ. अगर आप अपने बैटल वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो सेंड करो मुझे, मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके मुझे अपना बैटल रिकॉर्ड सेंड कर सकते हो. सो लेट्स बैटल की तरफ चलते हैं गाइज. इस टीम में मैं अम्ब्रियन का एज ए लीड यूज कर रहा हूँ, सेफ सॉफ्ट के लिए अजुमरिल और कवरेज फिनिशर के लिए डिऑक्सिस डिफेंस. अम्ब्रियन वर्सेस मेलमेटल एवरेज स्टार्ट है बट मेल मेटल के पास सुपर पावर जो कि सुपर इफेक्टिव है अम्ब्रियन के ऊपर. सो लेट्स शील्ड यूज करूंगा गाइस, यानी आप वो डायरेक्टली सुपर पावर के लिए गया. उसने प्री मरीना को लाया, प्री मरीना वाटरफॉल है. मैं यहाँ पे डिऑक्सिस डिफेंस को लूंगा बिकॉज डिऑक्सिस डिफेंस के पास है थंडरबोल्ट. अगेन मैं शील्ड यूज करूंगा गाइस तो डैमेज करना, और अपोनेंट के पास दोनों शील्ड है, अपोनेंट के पास फुल एडवांटेज है. देखते हैं उसने भी शील्ड यूज किया, ट्राई करूंगा एक और थंडरबोल्ट उसके चार्ज मूव से पहले स्टोर हो जाए. यानी आप थंडरबोल्ट चार्ज हो गया, मुझे लगा प्री मरीना के पास चार मार से मैं इमीडिएटली स्विच कर दिया था बट प्री मरीना के पास वाटरफॉल है ऑलमोस्ट का. इसने मेरा इसके पास लोडेड एनर्जी है. सो मैं यहाँ सोच रहा हूँ पहले कि अम्ब्रियन को लाऊं, उसकी एनर्जी वेस्ट कर रहा है. हमारे पास साइकिक ऑलरेडी था तो डायरेक्टली साइकिक के लिए जाऊंगा. साइकिक जो कि लेगेसी मूव है अम्ब्रियन का, यप गाइस जो मैंने सोचा था मैंने वही किया. मुझे लगा साइकिक के बाद वो डिफीट हो जाएगा और उसका जितने भी उसने स्टोर की थी एनर्जी सारी वेस्ट हो जाएगी. और उसका ट्राई कर रहा था मैं अजुमरिल पे सुपर पावर कैच करने का बट हो नहीं पाया. रिंग एंड रोक नाइट वर्जन, सो डेफिनेटली मैं अजुमरिल को लाऊंगा जिसके बबल और आइस बीम जो कि सुपर इफेक्टिव है. साइकिक फैंग के पास जा रहा है मैं डिफेंस वेल करने के लिए. अब एक आइस भी हमें मिल चुकी है गाइस, स्टोर हो गई है एंड सुपर इफेक्टिव नहीं बट स्टिल उसको ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था गाइस. और मेरे को लगता है इसका स्टोनेज अगेन साइकिक फैंग टू टाइम अटैक डीबफ हो गया. मेरे दोनों अटैक आइस बीम प्ले रफ कोई इफेक्टिव नहीं है मेल मेटल के ऊपर, तो कोई भी यूज करूँ तो इतनी इफेक्ट नहीं होगा. ऑलमोस्ट फार्म गया, आई थिंक वो दो चार्ज में गेन कर रहे हैं, एक अजुमरिल के लिए और एक अम्ब्रियन के लिए. बट गाइस स्नाल ने उसको डिफीट कर दिया. जी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बैटल, अम्ब्रियन वर्सेस जेलीसेंट. इट्स अ गुड स्टार्ट गाइस बिकॉज स्नाल फाउल प्ले दोनों जगह सुपर इफेक्टिव है जेलीसेंट के ऊपर. शील्ड नहीं सुनूंगा बिकॉज बबल बीम सर्फ शैडो बॉल कोई इफेक्ट नहीं करेगी. बबल बीम यूज कर मेरा अटैक डिबफ करने के लिए अपोनेंट ने जस्ट स्विच किया है रेजिस्टील को. शील्ड यूज करूंगा गाइस बिकॉज़ ज़ैप कैनन डैमेज करेगा बहुत ज्यादा. अपना थंडरबोल्ट यूज करूंगा बट हमारे पास ऑलरेडी एक अटैक डिबफ हो गया तो थंडरबोल्ट इतना अच्छा डैमेज नहीं कर पाएगा. काउंटर एक और थंडरबोल्ट गेन करने के लिए बट अनफॉर्चुनेटली ज़ैप कैनन फर्स्ट स्टोर हो गया उसके पास. बस दो टू टाइम अटैक डिबफ हो गया तो ओ फार्म करूंगा इस बार और थंडरबोल्ट के लिए जाऊंगा नॉकआउट करना है रेजिस्टील को. उसको बीट कर लिया, उसका सेकंड पोकेमॉन है टैलो फ्लेम एंड लकीली गाइस हमारे पास एक और थंडरबोल्ट स्टोर हो गया. एंड यहाँ उसने शील्ड यूज कर लिया गाइस, सो दैट्स ग्रेट. अब मुझे मालूम है उसका एक जेलीसेंट बचा है और एक टैलो फ्लेम बचा है. टैलो फ्लेम के सामने डेफिनेटली अपना अजुमरिल यूज करूंगा. आई नो ब्रेव बर्ड गेट डेफिनेटली स्विच करेगा जेलीसेंट को इमीडिएटली अम्ब्रियन को लाके स्नाल यूज करना. अगेन बबल बीम अटैक डीबफ बट आई थिंक फाउल प्ले उसकी ऑलमोस्ट 50% हेल्थ देगा. एक और फॉल प्ले, गेम लैग हो रहा है गाइस देख रहे हो आप लोग. एक और उसका मुझे मालूम नहीं इसका इतने जल्दी कैसे चार्ज मूव आ गया. अगेन एक और फॉल प्ले गाइस, एक और बबल बीम हमारा अटैक दो बार डीबफ हो चुका है. एक शील्ड एडवांटेज भी गाइस हमारे पास, तो फॉल प्ले यूज करके थोड़ा बहुत डैमेज करूंगा बिकॉज मैं आइस बीम मारना है टेलो फ्लेम को. डेफिनेटली शील्ड यूज करूंगा गाइस बिकॉज अगर वो ब्रेव बर्ड के लेगा तो अजुमरिल सर्वाइव नहीं कर पाएगा. और आइस बीम रेडी है यहाँ पे, तो देखते हैं आइस बीम उसको नॉकआउट कर पाता है कि नहीं. यार वो जस्ट सर्वाइव बट बबल बीम ने अपना काम कर दिया. जी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बैटल, अम्ब्रियन वर्सेस शैडो हिप्नो. अगेन ग्रेट स्टार्ट है गाइस, स्नाल फॉल पे अपोनेंट ने पहले ही सरेंडर कर दिया बिकॉज उसको मालूम है नहीं जीतने वाले. अम्ब्रियन वर्सेस शैडो नाइन टेल, अगेन एवरेज स्टार्ट है बट अम्ब्रियन के पास अपर हैंड है बिकॉज स्नाल फॉल प्ले अच्छा खासा डैमेज करेंगे उसके एम्बर और वेदर बॉल के कंपैरिजन में. एंड आई थिंक वो ओवर हीट के लिए जा रहा है बट लेट्स टेक द रिस्क लूंगा गाइस. डैमेज देख रहे हो ऐसे ऑलमोस्ट मेरे अम्ब्रियन की पूरी हेल्थ दे लिया.
ट्राई करूंगा। आई डोंट नो मालूम नहीं गेम इतना क्यों लैग हो रहा है, और मैं स्टिल टैप कर रहा हूँ ताकि मेरा चार्ज अब रेडी हो जाए। यानी आपका उसके 9 टेलीकॉम ने डिफीट कर दिया, उसकी एक शील्ड भी यूज होगी, तो हमारे पास एडवांटेज है। एक तो उसका नेक्स्ट पोकेमॉन का, उसका नेक्स्ट पोकेमॉन है विश कैश, अगेन फाउल प्ले जाऊंगा, न्यूट्रल अमाउंट डैमेज करेगा गाइस। उसका मड बॉम्ब मड शॉट इतना इफेक्टिव नहीं है, ऑलमोस्ट एक और फॉल प्ले आ गया, बट यहाँ पे एम्ब्रियन को जाने दूंगा बिकॉज शील्ड यूज करे कोई फायदा नहीं है। तो अजूमेल को लेकर अजूमेल का बबल डैमेज करेगा और आइस बीम यूज करूंगा, और वो लाइक ब्लिजार्ड मड बॉम्ब के लिए जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं है। आइस बीम यूज करते हैं, अच्छा खासा डैमेज देगा गाइस आइस बीम बिकॉज ऑफ ग्राउंड एंड ग्राउंड टाइप। और शील्ड एडवांटेज है, उसके पास वीनासोर है बैक में, सो मैं डेफिनेटली अपने डिऑक्सिस डिफेंस को लाऊंगा। आई नो थंडरबोल्ट कोई इफेक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर हमें यूज करना पड़ेगा थंडरबोल्ट यहाँ पे गाइस बिकॉज साइको बूस्ट नहीं है, एक ही चार्ज मूव है। शील्ड सेव करूंगा गाइस बिकॉज अजूमरली का आइस बीम ही लास्ट रिसॉर्ट है हमारे पास इस मैच में, इसलिए शील्ड यूज करूंगा और डायरेक्टली आइस बीम के लिए जाऊंगा। और गाइस उसके पास फ्रेंजी प्लांट रेडी, तो डेफिनेटली शील्ड यूज करना बिकॉज वन फ्रेंजी प्लांट अजूमरली की पूरी हेल्थ दे लेगा। के ले जाते हैं यार, वन शॉट आइस बीम विनासोर को खत्म कर दी गाइस, थोड़ी सी बची थी। यहां बबल बीम विशकैश को भी यूज करूंगा, देखते हैं क्या उसका ब्लिजार्ड और मड बॉम्ब, अगेन मड बॉम्ब ने इजीली सर्वाइव कर लिया, उसके देखो और मड बॉम्ब है बट कोई वन नहीं गाइस, यहां पे भी आराम से उसका सर्वाइव कर सकते हैं। और आइस बीम रेडी है विशकैश के लिए, जीजी गाइस इजी विन। अच्छी स्टार्ट मिलने के बावजूद भी मैच काफी टफ हो गई बिकॉज़ विनासोर था लास्ट में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बैटल, देखते हैं ओपोनेंट के पास क्या है। शील्ड यूज करेगा वो, मुझे मान दिया गाइस बिकॉज शैडो स्वैम्प थोड़ा स्क्विशी है एम्ब्रियन के सामने, एम्ब्रियन थोड़ा टैंकी है। शील्ड यूज किया और उसने स्कार्मोरी को ले गया गाइस, मैं यहाँ फॉल प्ले यूज करूंगा, डिऑक्सिस डिफेंस को लाऊंगा बिकॉज ऑफ काउंटर और थंडरबोल्ट गाइस। और स्कार्मोरी का अटैक जैसे ब्रेव वर्ड स्काई अटैक कोई ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, डिऑक्सिस डिफेंस इजीली टेक कर सकता है, थंडरबोल्ट रेडी है। अगर शील्ड यूज नहीं करेगा तो स्कार्मोरी पूरा खत्म है, यानी वन शॉट गाइस। उसका लास्ट पोकेमॉन कौन से डेड ने है उसका लास्ट पोकेमॉन गाइस, सो और हमारा लास्ट पोकेमॉन है अजूमरिल जो कि वीक है इसके थंडर शॉक और डिस्चार्ज के सामने, सो डेड ने को हमें जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। अगर उसने अजूमरिल को देखा तो इजीली डिफीट कर सकता है अजूमरिल, और वो चाम अटैक भी यूज कर सकता है जो कि सुपर इफेक्टिव है मेरे एम्ब्रियन के ऊपर। सो यहाँ शील्ड यूज करूंगा बिकॉज मेरे को डैमेज देना है इसे, और उसने इमीडिएटली स्वैम्पट को लाया यहाँ के, बहुत बड़ी गलती होगी, मेरा उसे स्विच नहीं हो पाया बिकॉज लैग इतना खा रहा था। अजूमरिल आगे से पूरी हेल्थ फार्म करूंगा बबल से, बट आई होप इस स्लज वेव नाउ गाइस, वो स्लज वेव ही था, डैमेज देख रहे हो स्लज वेव का, ऑलमोस्ट अजूमरिल खत्म। देखते हैं आइस बीम कितना अच्छा डैमेज करता है, उसके ऑलमोस्ट लिया था आइस बीम, और यहाँ मैंने उसका मूव कैच नहीं किया बट डिस्चार्ज के लिए गया गाइस। हम जस्ट सर्वाइव कर रहे हैं लो एचपी पे, और फाउल प्ले यहाँ पे रेडी हो गया गाइस, बहुत क्लोज विन दी गाइस बिकॉज डेड ने बहुत सरप्राइज था। नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं, एम्ब्रियन वर्सेस ट्रेवेनेंट, अगेन बहुत ग्रेट स्टार्ट मिल गई बिकॉज ट्रेवेनेंट के सारे अटैक हम रेसिस्ट करते हैं, उसने अजूमरिल को लाया, डेफिनेटली मैं डिऑक्सिस डिफेंस को लाऊंगा बिकॉज ऑफ थंडरबोल्ट जो कि काफी इफेक्टिव है अजूमरिल के ऊपर, सुपर इफेक्टिव है, यूज करते हैं उसका शाइनी अजूमरिल, देखते हैं कितना डैमेज देता है, ऑलमोस्ट गाइस आधी से ज्यादा, एक और यूज करना है और अजूमरिल खत्म है। एंड या मेरे को लगता है वो शील्ड यूज करेगा गाइस, उसका एनर्जी गेन करेगा एम्ब्रियन के लिए, अगर मैं एम्ब्रियन ले आऊंगा डेफिनेटली वो यही करने वाला था। ओपोनेंट के पास एडवांटेज है गाइस, उसने मेरा सेव्स ऑफ बीट किया, मैं डायरेक्ट साइकिक के लिए जाऊंगा ताकि उसे मुझे लगता है वापस शील्ड यूज करेगा या बिकॉज उसके पास बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो गई है, वो प्लेयर ऑफ के लिए जाना चाहेगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि अजूमर एक एम्ब्रियन एक प्लेयर ऑफ सर्वाइव कर सकता है, अनदर प्लेयर ऑफ है, सो यहाँ पे शील्ड यूज करना पड़ेगा। मेरा लास्ट आई होप वो ट्रेवेनेंट को लेके आया एम्ब्रियन के सामने बिकॉज अगर उसने ट्रेवेनेंट सेव किया है और मैंने सेव किया अजूमरिल तो मैं खत्म हो गाइस, देखते हो किसको लेके आता है। अरे गाइस का अजूमरिल मर ही नहीं रहा, देखते हैं इसका। और गाइस उसने स्टंग फिश गैलेरियन है उसके पास, और मेरा लास्ट उसका डेफिनेटली लास्ट तो ट्रेवेनेंट ही जो कि लीड में था, और मेरा लास्ट है अजूमरिल, तो बहुत टफ बैटल होने वाली गाइस। मैं इमीडिएटली अजूमरिल को लाऊंगा, फार्म करूंगा बबल से, और डेफिनेटली ट्रेवेनेंट लेके आएगा, सीड बॉम्ब देगा लगा बार बार,
ऑलमोस्ट हाफ हेल्थ ले लिया गाइस मेरी। आईज में सुपर इफेक्टिव है बट नॉकआउट नहीं कर पाएगा, ऑलमोस्ट डेंजर में लेके आ गया गाइस इसको। बट सोच रहा शील्ड यूज करके इसकी पूरी हेल्थ फार्म कर लूँ बबल से, सो कि आईज भी मैं स्टंगफिश ग्लेडियन के ऊपर भी यूज कर सकता हूँ जो कि अच्छा खासा डैमेज देगी। और अमरी आफ्टर वो आइस बीम के बाद मैं एक अगर फॉल प्ले भी यूज कर लिया स्टंगफिश ग्लेडियन पे तो जीत सकता हूँ। एंड या इसका मूव एंड अपोनेंट का लगता है इंटरनेट कनेक्शन चला गया था गाइस, ये हमारा लगता है विनिंग टर्निंग पॉइंट था गेम का। उसके बाद लेट कनेक्शन बिकॉज वो मट शॉट मार ही नहीं रहा था, मालूम पड़ गया था ना देख के। तो जी जी गाइस लकी थे हम इसलिए जीत पाए बिकॉज अदरवाइज मैच बहुत टफ थी। अम्ब्रियन वर्सेस स्टंग कांटो स्टंगफिश मड बॉम्ब या डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इतनी जल्दी इसका रेडी हो गया था गाइस। स्टोर मेरा एक फॉल प्ले रेडी नहीं हुआ था, उसका एक डिस्चार्ज रेडी हो गया। फॉल प्ले यूज करना है गाइस डेफिनेटली। कांटो स्टंगफिश बहुत सही पोकेमॉन है ग्रेट लीग के लिए बट तो फ्लाइंग टाइप बहुत सारे पोकेमॉन को असिस्ट करता है। और फॉल पे लगेगा इसको नॉकआउट करने के लिए बट मुझे लगता है दो फॉल पे लगेगा। आई होप शील्ड यूज ना करें, देखते हैं। और यहाँ पे एक और फॉल प्ले रेडी बट हमने सी एम पी टाइम लॉस कर दिया इस समय, जाने दूंगा अपने एम्ब्रियन को। बट मेरे को लग रहा है वो अंडर फार्म कर रहा था बट अंडर फार्मिंग के चक्कर में उसकी वाट लग गई, तो एम्ब्रियन सर्वाइव कर लिया। मैंने उसने एक शील्ड यूज करना पड़ा था, मैं अजू मलिक को लाकर फार्म करूंगा उसके दो से लिखते हैं उसका नेक्स्ट वीडियो में। ग्रास टाइप ना हो बस, जंप लव है गाइस जो कि ग्रास टाइप है, एनर्जी बॉल मारता है वो एक्रोबेटिक्स और एनर्जी बॉल। बस एक शील्ड एडवांटेज है, मैं शील्ड यूज करूंगा गाइस बट डेफिनेटली एक और आइस बीम के लिए जाऊंगा। बुलेट सीड से जल्दी फार्म होगा बट आपने सीएम पी डाया वापस लॉस किया, बस शील्ड यूज नहीं करेगा। मुझे लगता है अजू मलिक सर्वाइव कर लेगा, अगर वो शील्ड यूज नहीं करेगा तो जंप लव नहीं सर्वाइव कर पाएगा आइस बीम में। देखते हैं उसका लास्ट पोकेमॉन कौन सा है। बेस्ट शील्ड ऑन इमीडिएटली डियोक्सिस डिफेंस को लाके काउंटर खेलेंगे इसके साथ और थंडरबोल्ट यूज करेंगे, अच्छा खासा डैमेज देगा थंडरबोल्ट और हेल्थ फार्म करेंगे ऐसी पूरी काउंटर से। इसके अटैक लाइक फ्लेम थ्रो स्टोन एज इतने इफेक्टिव नहीं है, डियोक्सिस इजीली कर सर्वाइव कर सकता है। एंड या जी जी फॉर अस गाइस इजी विन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बैटल अम्ब्रियन वर्सेस म्यूटू, शी स्टार्ट्स ने अलग अजैम को लाया, तो मैं यहाँ पे अजू मलिक को लाऊंगा, सेव करूंगा अपना अम्ब्रियन, लीड एडवांटेज मेंटेन रखूंगा, देखते हैं क्या मारते हैं। शैडो बॉल मुझे मालूम नहीं था लकेजम के, मुझे अटैक ही नहीं मालूम क्या लकेजम कौन यूज करता है ग्रेट लीग में। लेकिन बहुत खुशी है गाइस बबल सिर्फ फास्ट मूव से मैंने उसकी आधी से ज्यादा हेल्थ फार्म कर लिया, अगर कहीं एक चार्ज मूव पड़ जाएगा तो खत्म ही हो जाएगा। एक और आइस बीम रेडी यूज करते हैं, हमने दोनों शील्ड यूज कर लिया लकेजम पे। सैंड स्लैश को ले गया तो मैं डेफिनेटली अम्ब्रियन को लिया और डियोक्सिस डिफेंस को लिखा होगा जिसकी मैंने पूरी उसकी पूरी टीम मैंने फार्म कर ली है। म्यूटू के लिए अम्ब्रियन, अलेकजेम के लिए अजू मलिक, सेंट स्लैश के लिए है हमारे पास डियोक्सिस डिफेंस, थंडरबोल्ट रेडी है जो भी पोकेमॉन आएगा डायरेक्टली उसको थंडरबोल्ट यूज करूंगा म्यूटू के ऊपर। और एक फॉल प्ले चाहिए म्यूटू को नॉकआउट करने के लिए, थंडरबोल्ट ने ऑलरेडी इतना अच्छा खासा डैमेज कर दिया इसके अम्ब्रियन की जरूरत ही नहीं है। ओपोनेंट स्टिल फाइट कर रहा है, उसको स्टिल लग रहा है कि वो जीत सकता है यहाँ से, उसके फायर पंच शैडो वाले जो कि कोई इफेक्ट नहीं करता एम्ब्रियन के ऊपर। थोड़ा प्ले करते हैं इसके साथ तो उसको होप देते जीतने की बट खत्म करते हैं फटाफट। जी जी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बैटल एम्ब्रियन वर्सेस सोमपट, अगेन अच्छी स्टार्ट है, स्नाल डैमेज अच्छा कर देगा इस मट शॉट के सामने सो इसलिए फॉल प्ले का डैमेज थोड़ा बढ़ के नजर आता है। मुझे लगता है शील्ड यूज करेगा नहीं, उसके एक और फॉल प्ले चाहिए बाकी सोमपट खत्म। देखते हैं अर्थक्विक किल तो नहीं जाए वो, नहीं अगेन हाइड्रो कैनन फार्म करूंगा वापस फॉल प्ले। इस बार डेफिनेटली शील्ड यूज करेगा बिकॉज आफ्टर दिस फॉल प्ले नहीं सर्वाइव कर पाएगा। हाँ और पब्लिक ज़्यादातर सोमपट के सामने अपनी शील्ड यूज करती है, मैं भी यूज करूंगा और एक और फॉल प्ले के जाऊंगा। ऐसे मुझे मालूम था कि वो चेंज करेगा, डियोगोंग लेके आया तो मैं डेफिनेटली डियोक्सिस डिफेंस लेकर आऊंगा। इसके पास काउंटर थंडरबोल्ट जो कि दोनों सुपर इफेक्टिव है इसके ऊपर, आईसी विन अटैक डी ऑफ करेगा बट स्टिल थंडरबोल्ट अच्छा खासा डैमेज देगा आपका, देखो सुपर इफेक्टिव फार्म करूंगा पूरी हेल्थ इसकी फार्म करूंगा काउंटर से। दो बार अटैक डीप हो गया बट स्टिल हमने उसका सेफ सॉफ डिफीट कर दिया सो हमारे लिए अच्छा है। सोमपट लेके आएगा थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट कोई इफेक्ट नहीं करेगा सोमपट बिकॉज ग्राउंड टाइप भी है ऑलमोस्ट गाइस। एक फॉल पे लाकर फॉल मारूंगा इसको,
सीएमपी डाई जीता है, मेरे को लगा शील्ड यूज करेगा वापस। क्या उसने शील्ड यूज किया और उसने अजूमरिल को लेकर आया। मैं यहाँ पे अपने अजूमरिल को स्विच करूंगा और यहाँ पे हमें प्लेयर ऑफ खेलना रहेगा गाइस। और उसके पास शील्ड एडवांटेज नहीं है, हमारे पास शील्ड एडवांटेज है तो शील्ड यहाँ पे लास्ट में यूज करना है गाइस। तो दो प्लेयर ऑफ रेडी हो गया, आधी से ज्यादा हेल्थ मैंने अजूमरिल के दे दिया फार्मिंग के चक्कर में। देते हैं फटाफट प्लेयर ऑफ इसको और प्लेयर ऑफ मारते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर हेल्थ कम रही तो आइस बीम भी यूज कर सकते हैं। अम्ब्रियन को लाके उसका मूव कैच करते हैं एंड या हमने कैच किया इसका मूव प्लेयर ऑफ। शील्ड भी सेव करके रखा हूं, अब शील्ड डेफिनेटली शील्ड यूज करूंगा गाइस। मैंने बबल ऑलरेडी यूज कर दिया तो सॉम्पट खत्म और एक आइस बीम इनफ है, बट प्लेयर ऑफ के लिए जाऊंगा, रिस्क नहीं लूंगा और खत्म है अजूमरिल भी यहां पे। सो गाइस जीजी, टफ बैटल थी। नेक्स्ट बैटल के लिए चलते हैं अम्ब्रियन वर्सेस स्कारमोरी एवरेस्ट स्टार्ट। उसने अम्ब्रियन ले अजूमरिल लेके आया अपना, तो डीऑक्सिस डिफेंस लाऊंगा जस्ट लाइक थंडरबोल्ट है हमारे पास। देखते हैं प्लेयर ऑफ आइस बीम क्या यूज करता है। प्लेयर ऑफ थंडरबोल्ट यूज करूंगा जो कि सुपर इफेक्टिव है गाइस इसके ऊपर। अच्छा खासा डैमेज दिया गाइस थंडरबोल्ट ने हमें। मुझे लगता है अगेन वो प्लेयर ऑफ के लिए जाएगा इस बार आइस बीम के लिए, बिकॉज सोच रहा था कि आइस बीम नॉकआउट कर देगी बट हमने स्टिल सर्वाइव कर दिया। पर वो शील्ड यूज करेगा गाइस, बट शील्ड यूज नहीं किया, दैट्स ग्रेट। उसका सेव सॉफ्ट वेट किया अगेन अम्ब्रियन को लेके आऊंगा उसके सामने और उसने मैडी चैम को स्विच कर दिया, मेरा मूव कैच कर लिया गाइस। इमीडिएटली अजूमरिल को लाके इसे प्लेयर ऑफ यूज करूंगा गाइस, बिकॉज प्लेयर जो कि सुपर इफेक्टिव है इसके ऊपर। अजूमरिल इजीली सर्वाइव कर सकता है साइकिक आइस पंच को। हमारा डिफेंस फेल हो गया क्योंकि बैड लगवा लो क्या होता है डिफेंस पर कभी कभी जब मैडी चैम साइकिक यूज करे अपना। शील्ड यूज करूंगा गाइस डेफिनेटली बिकॉज डिफेंस फेल है। उसका पावर अप मुझे को लगा कोई बड़ा चार्ज होगा तो आइस बीम यूज करते हैं इधर। मैंने उसने भी शील्ड यूज किया, हमने भी उसकी एक शील्ड वेस्ट की, वापस शील्ड यूज करूंगा। मेरे को लगता है वो स्कारमोरी लेके आएगा और यही मैंने सोचा था गाइस, स्कारमोरी लेके आएगा तो यहाँ इमीडिएटली अम्ब्रियन को लेके आके फाउल पे खेल रहा है। हमारे पास प्लेयर ऑफ रेडी है उसके मेडी चैम के लिए, बस जैसे तैसे इसके स्कारमोरी को पहले खत्म करना है गाइस। ऑलमोस्ट का अगेन चार्ज आ गया, मुझे लगता नहीं मेरा अम्ब्रियन खत्म कर पाएगा इसको। तीन फाउल प्ले मारने पड़ेंगे, दो रेडी हैं। पहला वाला गया, दो और मारने गाइस। आई होप इसके बाद वाला भी मैं मार पाऊं इसको, तभी ये मैच जीत पाऊंगा। एंड तीसरा वाला भी आ गया गाइस, तो उसने मेरा मूव कैच कर लिया जो कि बहुत गंदा था। मूव कैच कर लेते हैं, इमीडिएटली अजूमरिल को स्विच करूंगा और आइस बीम के लिए जाऊंगा, बट बबल बीम ने अपना काम कर दिया। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, comment, share on my video and please subscribe to my channel.